फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बालूशाही की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बाउल में एक और आधा कप जितना मैदा मैंने ले लिया है, 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और यहाँ पे 6 टेबल स्पून जितना हम घी ऐड करेंगे। आप ऑयल या डालडा भी यूज कर सकते हैं, घर पे बना रहे हैं तो घी में बनाए, ज्यादा टेस्टी बनेगा। यहाँ पे हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कुछ ब्रेड क्रम्स जैसा हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून जितना दही। डो हम दही से ही बनाएंगे, पानी यूज नहीं करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा दही की जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसे बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बस हम थोड़ा मिक्स करेंगे और ये हमारा हो गया है। आपको इसे मैश करके चिकना नहीं बनाना है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब इसे हम ढक करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद फ्रेंड्स हम इसे कपड़े को हटा देंगे और थोड़ा हम ऊपर से दबाएंगे और इसे हम फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरीके से आपके बालूशाही में लेयर्स बनेगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसे चिकना नहीं करना है मैश करके, और इसी तरीके से दबाए दोनों तरफ से। ऐसा आपको 5 से 6 बार करना है और आप देखेंगे कि आपके बालूशाही में बहुत सारा लेयर बन जाएगा। उसके बाद आप इसे बराबर भाग में कट कर लें। तो मैंने अब कट कर लिया है। तो अब हम एक पार्ट लेंगे और आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे लेयर्स आपको दिख रहे होंगे। आपको इसे बस गोल करना है और इसमें बालूशाही का शेप देना है। आपको बहुत चिकना ना करे। और आप देख सकते हैं मैंने इसे शेप दे दिया है। इसी तरीके से सारे कर ले। मैंने सारा बना लिया है। यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल गरम किया है, आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि लो हीट पे हम सारा बालूशाही बनाएंगे। हाथ से तेल को मैंने छू के देखा, ये बिल्कुल गर्म नहीं था, तब मैंने इसमें ट्रांसफर किया। अब ये धीरे धीरे गर्म होगा और ये लो हीट पे ही पकेगा। लो हीट में मैंने इसे एक तरफ से रेड कर लिया है, दूसरी तरफ से आप रेड कर ले। दोनों तरफ से आपको रेड करना है। आप देख सकते हैं ये फुल केक डबल हो गया है। फ्रेंड्स आपको इसे बहुत पेशेंस रखना है, आपको जल्दीबाजी में आपको हाई हीट पे इसे नहीं बनाना है। इसे पूरा बालूशाही आपको लो हीट पे ही फ्राई करना है दोनों तरफ से रेड होने तक। आप देख सकते हैं ये हो गया है। तो अब हम साइड रख देंगे, यहाँ चाशनी बना लेंगे। यहाँ एक और आधा कप मैंने पानी ले लिया है और एक और आधा कप जितना हम चीनी भी ऐड करेंगे। शुरुआत में मैंने हाई हीट पे रखा है जब तक चीनी हमारा मेल्ट नहीं हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जितना। अब फ्रेंड्स इसे हमें बनानी है चिपचिपी सी चाशनी। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 या 2 तार की चाशनी भी तैयार कर सकते हैं। चिपचिपी सी चाशनी में थोड़ा मीठा कम होता है। तो मैंने इसे लो हीट पे मैंने चिपचिपी सी चाशनी तैयार कर ली है। आप अपने पसंद के अनुसार चाशनी तैयार कर ले। अब हम इसे हल्का गर्म रहने तक हम इसे ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं मैंने हाथ से इसे चाशनी को छुआ, उतना ही गर्म हमारा होना चाहिए। उसके बाद हम सारा बालूशाही को इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसे अच्छे से डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो आपका बालूशाही सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम 10 मिनट के बाद चाशनी से इसे अलग करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आप चाशनी में जब इसे डिप करें तो ये हमारा इतना ही गर्म होना चाहिए जितना आप आसानी से उसे छू सके। उसके बाद हम बालूशाही को अब मैंने गार्निशिंग कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप ट्राई करने वाले हैं। ये बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार होता है। अगर आप ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब